हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ बिना गैस चलाए ऐसी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप देख लोगे ना तो बार बार इसे बनाएंगे और घर पर भी सबको ये बेहद पसंद आएगी। ऐसी आइसक्रीम है और ऑल टाइम मेरे घर पर तो ये सभी की फेवरेट है। साथ में कुछ फ्रूट क्रश भी मैंने ले लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसकी रेसिपी आपने एक बार बना ली तो आप इसमें कितने वेरिएशन कर सकते हो वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा वाला मिक्सर का जार ले लिया है। हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बाजू में दिख रही बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही आसान सी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून बादाम लिए हैं और 4 टेबलस्पून मैंने काजू लिया है। यहाँ पर मैंने नॉर्मली जो हमारे काजू बादाम होते हैं वही लिए हैं, आप इसे भिगोकर भी ले सकते हो। और 4 टेबलस्पून मैंने खड़ी शक्कर को दरदरा कूट कर लिया है, आप नॉर्मल चीनी का भी यहाँ पर उपयोग कर सकते हो। और साथ में 1/4 टीस्पून की जितनी इलायची, इनको हम पहले ड्राई पीस लेंगे। देख सकते हो कि एक अच्छा सा इसका पाउडर बन चुका है। 2 टेबलस्पून मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है, ये आसानी से सब जगह पर मिल जाता है। और 2 स्लाइस ब्रेड, भाई आजकल ब्रेड तो सभी के घर पर मिल ही जाती है, तो यहाँ पर हम ब्रेड को भी ऐसे टुकड़े कर इसको एक बार फिर से मिक्सर में चला लेंगे ताकि सारी सामग्री अच्छे से हमारी ये पिस चुकी है। अब आ गया यहाँ पर आइसक्रीम के लिए 2 कप मिल्क, और मिल्क डालकर मैंने फिर से एक बार इसे चला लिया और इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट करने के लिए रख देंगे। 2 घंटे के बाद हम फिर से इसे एक बार मिक्सर में पीस लेंगे और फिर से हम इसे 12 घंटे के लिए या तो फिर ओवरनाइट मैंने फ्रीज में रख दिया था। आप देख सकते हो कि एकदम परफेक्ट, आप इसे आइसक्रीम कहिए या फिर कुल्फ़ी, आप इसमें कितने वेरिएशन कर सकते हो ये मुझे कॉमेंट में बताइएगा। इसके वेरिएशन अगर मैं कहूँ तो हमने जो फ्रूट क्रश बनाए थे ना वो भी इसके अंदर आपको जो भी पसंद हो, जैसे कि मिक्स फ्रूट क्रश या फिर स्ट्रॉबेरी क्रश, पाइनएप्पल क्रश, या फिर हमने 5 सॉर्ट्स भी आपको दिखाए वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो बिना गैस चलाए इतनी शानदार हमने, आप इसे आइसक्रीम या कुल्फ़ी क्या नाम देंगे मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। और देखिए ये वीडियो में आपको मैं इतना फटाफट दिखा रही हूँ पर दोस्तों मुझे इसको शूट करने के लिए कम से कम 20 मिनट लग चुके थे। तो 20 मिनट में आप देख सकते हो कि आपके सामने रिजल्ट है, थोड़ा बहुत ही इसमें से आइसक्रीम मेल्ट हुई है, मतलब कि ये परफेक्ट दूध वाली आइसक्रीम है। और देखिए मैं इसे किस तरह से घर पर प्रेजेंट करती हूँ, मैंने थोड़ा सा केसर वाला सिरप ले लिया और थोड़ा सा मैंने ये मिक्स फ्रूट क्रश जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है बस, तो इसके साथ सारे फ्रूट फ्लेवर भी हमें मिल जाते हैं और मेरा ये फेवरेट आइसक्रीम कुल्फी। आपको कैसी लगी और आप इसमें और क्या वेरिएशन करने वाले हो मुझे ज़रूर से बताइएगा। आपके कॉमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो मैं पारुल जल्दी मिलूंगी और नई रेसिपी के साथ।